सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है वो है किस बारे में, आप बताओ बताओ। नहीं बताना? अरे बता दो यार, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, खत्म हो गया। आप कोई सपोर्ट ही नहीं करते, कहाँ मिट्टी का तेल, कहाँ ये लो ये लो माचिस, खत्म, आग लगाओ सब। ओके बाय। अरे कहाँ जा रहे हो, कभी कभी थोड़ा बहुत मजाक करने दिया करो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। आपको नहीं कुछ बोलना, कोई बात नहीं, ठीक है। सो एनीवे, आज का जो वीडियो है वो हम वी स्टॉर्म 250SX की टॉप स्पीड को चेक करेंगे, और थोड़ा मैं आपको क्रूजिंग स्पीड बताऊंगा कि कितने पे ये कंफर्टेबल है, जो आप पूरे दिन राइड कर सकते हो, जहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि बाइक इज़ यू नो कुछ ज़्यादा हो रहा है बाइक के लिए। और कुछ बातें और करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हम टॉप स्पीड चेक करेंगे। जूम जूम जूम, लेट्स गो। तो क्या, फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी, तो थोड़ा आरपीएम में 5000 6000 से ऊपर नहीं जा रहा था, पर असली मज़ा तो 5000 के ऊपर ही है। आज इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। ओके सो अब हम वहाँ फाइनली पहुँच गए, मतलब मैं नहीं पहुँचा हूँ, बाइक पहुँच गई है, जो अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी, जहाँ पे हम टॉप स्पीड चेक करेंगे। मैं अपने ही घर पे ही हूँ, ठीक है। सो अभी हम चेक करते हैं टॉप स्पीड। सो दोस्तों, टाइम आ गया है इसकी टॉप स्पीड चेक करने का, ठीक है। पर मेरे को थोड़ा बम्स और ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे ढलान होगी तो सही स्पीड नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको एक अपने आप एक पुल मिलेगा, और अगर ऐसे होगा तो एक अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। तो जहाँ पे स्ट्रेट होगा वहाँ पे एग्जैक्टली हम क्लोज आ पाएगी इसकी टॉप स्पीड के। तो अब बस मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दूंगा, मेरठ एक्सप्रेस वे पर हूँ, तो लेट्स सी। एंड प्लीज़ गाइज, डोंट डू इट, डोंट डू इट, इट्स जस्ट कि मैं एक नई बाइक लिए, आप एक मेरे व्यूअर्स हो, मैं अगर एक जना कर रहा हूँ तो आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आपकी बाइक की मैक्सिमम स्पीड क्या, अगर आप ये लेते हो तो वो दिमाग में होता है ना एक क्वेश्चन। और मैं क्रूजिंग स्पीड भी बताऊँगा कि कितने पर आप आराम से क्रूजिंग कर सकते हो इस बाइक को। गो 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 आउट राइडर, गो आउट राइडर। अभी एक इंक्लाइन आ गया है, इंक्लाइन आने के बाद फिर ढलान आएगी, तो उस वजह से अभी थोड़ा स्ट्रेट का वेट करना पड़ेगा मेरे को। 120 इज अ गुड स्पीड टू क्रूज गाइस, अभी मैं 120 पे हूँ आराम से, वाइब्रेशन ऑलमोस्ट निल है, पैरों पे बहुत हल्की हल्की सी है, वो मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं, अगर मैं राइडिंग बूट्स पहनूंगा तो वो भी चली जाएगी, हैंडल बार्स पे भी ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट निल। थिंक इज जो मैंने अभी दो बार ट्राई करा, आई थिंक 142-140 के आसपास इसकी टॉप स्पीड है। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि जो उसकी टॉप स्पीड है वो अराउंड 140 के आसपास है। अब क्या होता है कि रोड बिल्कुल स्ट्रेट मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी ढलान होती है, थोड़ी सी चढ़ाई होती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 140 के आसपास प्लस माइनस 5 आप ले लो इसकी टॉप स्पीड है, और 140 लेके चलते हैं, विच इज़ नॉट बैड टू बी अ 250 cc, और जो इसके टायर्स हैं जिस टाइप के, एंड या इट्स गुड। और एनी वे 140 पे आप कब चलाओगे और कितनी देर चलाओगे, मतलब एनी वे। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो उसकी क्रूजिंग स्पीड है, जो मेरे को लगता है कि अगर आपको एवरेज अच्छा चाहिए और पूरे दिन क्रूज़ करना है, तो मेरे को लगता है कि यू हैव टू स्टे अराउंड 90 के आसपास रहोगे, 180-200 में रहोगे जोन में। सो आई थिंक आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा इसका, फुल डे अगर क्रूजिंग आपको करनी है इसकी।
और अगर आपको थोड़ी सी हाई स्पीड पे भी क्रूजिंग करनी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि 120, 115, 120 पे भी करोगे तो कोई इशू नहीं लग रहा था मेरे को। सो 120 की भी एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड है जो आप पूरे दिन कर सकते हो, जो मेरे को लगता है कि ऑन द हायर साइड है, बट नॉट एट दैट हायर साइड की बिल्कुल लिमिट पे चल रही है। पर हाँ, बीच बीच में आप अच्छे स्ट्रेच मार सकते हो 120 पे, एंड देन अराउंड 80, 100 पे मार लो, तो यू कैन मिक्स इट अप। सो दैट इज़ वेरी गुड, जो मेरे को लगता है कि इंडियन हाईवेज के हिसाब से और जो आपको क्रूजिंग चाहिए वो इसमें है। टॉप स्पीड मैंने आपको बताई दी है इसमें, और अगर आपको अच्छा एवरेज चाहिए और क्रूजिंग भी करनी है तो अराउंड 80 to 100 के बैंड में रखिएगा, तो आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ये बाइक कितना एवरेज देती है और एवरेज के बारे में थोड़ा स्पीड से रिलेटेड वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था, जो जिसके जस्ट पीछे वाला वीडियो था, जहाँ पे मैंने सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करी थी, तो बेसिकली जो सर्विस कॉस्ट थी इसकी, उसका ना मेरे को बिल नहीं मिला था उस टाइम पे, क्योंकि मशीन पे ना उनके जो मशीन थी ऑफिस, उसमें नई बाइक की अभी एंट्री हुई नहीं थी वीस्टॉन की। सो समा उन्होंने मेरे को भी हाथ से जॉब कार्ड बना के दे दिया था ये वाला, और उन्होंने बोला था बिल बाद में ले लेना। सो एक किसी का क्वेश्चन भी था रिलेटेड कि थोड़ा सा मिसमैच था, तो उन्होंने मेरे को 700 रुपीज़ चार्ज करे थे बेसिकली। पर ये जो 700 मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये बेसिकली 1 लीटर इसमें इंजन ऑयल था, और आपका जो क्या कहते हैं फ्यूल ऑयल फिल्टर जो था वो था, तो वो अराउंड आई थिंक मेरे को वो बोल रहे थे कि 31 रुपये का है वो आता है। तो अब एक्चुअल में जो बाइक में डलता है वो 1.2 लीटर इंजन ऑयल डलता है, सो 200 ml और डलता है, तो वो उन्होंने कॉस्टिंग इसमें मेरी फर्स्ट सर्विस में नहीं करी थी, क्योंकि उनके पास 200 ml अलग से था, तो उन्होंने वो डाल दिया। बट नेक्स्ट टाइम वो मेरे को ये बोल रहे थे कि आपको 2 लीटर खरीदना पड़ेगा, और उसमें से वो 200 ml यूज़ कर लेंगे और 800 ml आप अपने साथ ले जा सकते हो, जो नेक्स्ट टाइम जब आपकी सर्विस होगी तो आप 200 ml उसमें कर लोगे। मैंने बोला कि सर ये तो आपको करना चाहिए ना, कि मतलब मैं पूरा 1 लीटर खींचूँ, पर समहाउ उन्होंने बोला कि सर ये ऐसा ही है यहाँ पे, एटलीस्ट अब डिपेंड करता हुआ सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर, पर यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला। सो बेसिकली इसमें जो कॉस्ट नहीं है वो 200 ml इंजन ऑयल की नहीं है, सो अगर आप लगाओ तो करीबन 200 रुपये और जोड़ लो, तो 800-900, तो अराउंड 1000 रुपये करीब पड़ता है जो इसकी सर्विस कॉस्ट है एक्चुअल। ठीक है, सो ये थोड़ा सा अपडेट था जो मैं पिछले वाले वीडियो में नहीं दे पाया था। बाकी सो मैंने आपको टॉप स्पीड बता दिया, क्रूजिंग स्पीड बता दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी एक और वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे इस बाइक के एवरेज के बारे में बात करूँगा थोड़ा सा डिटेल में। और सही बताऊँ तो अगर आपको ये बाइक लेनी है और आप सोच रहे हो और मेरी वीडियोज़ आप इसलिए देख रहे हो, सो अच्छी बात है, देखो, और मैं बड़ा जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ जो है। पर अगर आप 1-2 महीने रुक सकते हो ना, उसके बाद मैं ऐसा बवाल इसका रिव्यू लेकर आऊँगा ना, ऐसा बवाल रिव्यू लेकर आऊँगा कि वीडियो देखते ही ना आप ये बोल सकते हो ये बाइक लेनी है या ये बाइक नहीं लेनी है। ठीक है, पर उससे पहले भी मन बना लो तो कोई गलत बात नहीं है, मतलब मैं तो जस्ट इन केस कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है और आप रुकना चाहते हो तो। एनीवे चलो, इसमें थोड़ा हिंट भी था अगर आप समझ गए होगे तो। एनीवे टिल नेक्स्ट वीडियो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।